नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म सीरीज में ये सिक्स्थ लेक्चर है। इससे पहले आप लोगों ने 5 लेक्चर्स हमारे अटेंड किए होंगे। आप लोगों ने उसमें देखा कि किस तरीके से हम स्टीरियो केमिस्ट्री तक अप्रोच कर रहे हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको R और S नॉमेनक्लेचर सिस्टम डिस्कस किया था, है ना। आपको पता है पहले D और L नॉमेनक्लेचर सिस्टम आया था, जैसे कि सर ने दिया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो सारे के सारे कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स को इससे डिफेंड नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसकी जगह एक नया परफेक्ट, और जिसे हमने क्या कहा था, हमने कहा था एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जो है आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम आया था, जिसे कि कैन, इनगोल्ड और प्रीलॉग तीन साइंटिस्टों ने मिल करके ज्वाइंटली एफर्ट करके एक मतलब पूरा एक सीक्वेंस बनाया था, जिसके दौरान आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम में हम लोगों ने देखा था तीन स्टेप्स उन्होंने प्रपोज किए थे कि इन तीन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी कंपाउंड का, किसी भी स्टीरियोमर का नाम हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला उसमें जो स्टेप था, बच्चों मैं आपको याद दिला देता हूँ, पहला जो स्टेप था उसमें वो असाइनिंग प्रायोरिटी था। प्रायोरिटीज को देने का एक तरीका उन्होंने सजेस्ट किया था, जिसको कि सीक्वेंस रूल कहा था उन्होंने, ठीक है, सीक्वेंस रूल कहा था। ये सीक्वेंस रूल एक छोटे छोटे रूल्स का सेट था, है ना। इसमें छोटे छोटे रूल्स थे, सब रूल्स थे, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग केसेस के लिए प्रायोरिटीज देना बताया था। सेकेंड वाले स्टेप में उन्होंने हमारे को कहा था कि इनको अरेंज करना है ग्रुप्स को, प्रायोरिटीज देने के बाद अरेंज करना है। और थर्ड वाले पॉइंट में उन्होंने हमारे को कहा था कि आप इस मॉलिक्यूल को आप देखें कि ये मॉलिक्यूल किस तरीके से आई, किस तरीके से रोटेट कर रही है। तो हमने इस इन इन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अब हम उनके कुछ और क्रूशियल एग्जाम्पल्स देखेंगे। वहां तो हमने सीक्वेंस रूल की कैटेगरी के एग्जाम्पल्स देखे थे बच्चों। अब हम एज ए होल अगर आपके पास कोई नया कंपाउंड आता है, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन, ये आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अपने आप में एक फुल लेंथ क्वेश्चन भी है, जो कि 4-5 नंबर का जो भी आपका फुल लेंथ क्वेश्चन होता है, ये फुल लेंथ क्वेश्चन भी है। और इस पे बेस्ड जो ये आर एस नॉमेनक्लेचर या फिर कंपाउंड्स को छांटना कि ये आर है या फिर ये एस है, ये भी अपने आप में एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि केमिस्ट्री बेस्ड होंगे वहां पे ये आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम जरूर आएगा। तो मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस आर एस नॉमेनक्लेचर को बिल्कुल पुख्ता करना चाह रहा हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में भी साथ साथ करेंगे, सो दैट कि आप पहले कर लें, मेरा वीडियो पॉज करके पहले आप इसको खुद से करें, और फिर जहां पे भी आप अटक रहे हैं तो इसको आगे बढ़ने देंगे, तो आपको आपके डाउट्स हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, हम एग्जाम्पल जब आप बना रहे हैं तो अब मैं आपको बार बार इसको कार्बन बना करके टाइम आपका भी वेस्ट, अपना भी वेस्ट नहीं करूंगा। हम लोग इसको एज ये क्रॉस की तरह हम बना लेंगे। इससे आपको समझ जाना है कि अगर चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं तो उसका मतलब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, हम किसी स्टीरियो आइसोमर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये एग्जाम्पल बनाया बच्चों, देखिए ये एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये जो एग्जाम्पल है देखिए, इसका यूपीएससी नेम क्या बोल सकते हैं, चारों के चारों वैलेंसीज अलग अलग है, इसको बोल सकते हैं 1-bromo-1, ओके यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, 1-bromo-1-chloro-1-iodo और इसका नाम है मीथेन, ठीक है। इसका आईयूपीएससी ने भी साथ साथ आप लोगों ने सीख लिया, मीथेन इसलिए क्योंकि कार्बन एक ही है, इसलिए इसका नाम मीथेन है, ठीक है। जैसे CH4 होता है तकरीबन, ये उसी का करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ही तो है, बस इसमें तीन हाइड्रोजन जो है वो तीन अलग अलग हेलोजन मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो गए। और हेलोजन भी कैसे है, देखिए पहले ब्रोमो का नाम आया है, ब्रोमो क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले बी आता है इसलिए ब्रोमो, फिर हमने क्लोरो लिखा,
फिर आयोडो लिखा, फिर मीथेन लिखा। ये वैसे इसका बहुत प्रॉपर तरीका है, अदरवाइज आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको अपनी तरफ से आर्बिट्रेली पहले क्लोरो को भी लिख देंगे तो ये कोई इतनी बड़ा ब्लंडर नहीं हो जाएगा, आप बिल्कुल सही मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका नाम हमने जो लिखा, वन ब्रोमो वन क्लोरो वन आयोडो मीथेन, इसका अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा आइसोमर है, ये आर फॉर्म है या फिर ये एस फॉर्म है। तो देखिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, कंपाउंड का नाम आपको पता चल गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, आपको इसकी प्रायोरिटीज असाइन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस रूल। तो सीक्वेंस रूल क्या कहता है, इससे जुड़े हुए पहले एटम्स को देखें और जिसका एटमिक नंबर हायर है उसको पहली प्रायोरिटी दे दें। देखिए यहां पे सबसे कम प्रायोरिटी तो हाइड्रोजन को मिलेगी क्योंकि सबसे कम एटमिक नंबर इसका है। इन तीनों में सबसे हाईएस्ट एटमिक नंबर किसका है बच्चों, सबसे हाईएस्ट एटमिक नंबर है आयोडीन का, फिर इसके बाद ब्रोमीन का, और तीसरे नंबर पे है इसमें क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का जो है ये नंबर है 17, एटमिक नंबर है 17। अब आप सीरीज जब पढ़ते हैं, आप लोग इसमें जब हैलोजन्स के सीरीज पढ़ते हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरीके से इस तरीके से जाते हैं। तो इसका जो है सबसे कम एटॉमिक नंबर है, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा इस सीरीज में। तो इसलिए मैंने आपको प्रायोरिटीज जो है इस हिसाब से दी है। अच्छा, प्रायोरिटीज देने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला, इस मॉलिक्यूल को अब हम कन्वर्ट कर लेंगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको वन प्रायोरिटी दी, इसको टू दी, इसको थ्री दी, इसको फोर दी। तो अब हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि हमने इसका नॉमेनक्लेचर आर और एस करना है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद मैंने आपको सेकंड स्टेप क्या बताया था, सेकंड स्टेप था हमारा ग्रुप्स को उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी यहाँ पे देखें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बिल्कुल है, 1 2 3 4 है, ये तो बिल्कुल है। मगर इसकी जगह मैंने, हमने एक पॉइंट इसको बताया था, देखिए आप इसको टू डायमेंशन मॉलिक्यूल है इसलिए अभी आप इसको अरेंज ना समझें। ठीक है, अरेंज करने के लिए जो हमने एक सिंपलेस्ट तरीका बताया था, आपको बताया गया था कि फोर्थ वाली जो वैलेंसी है, फोर्थ वाली प्रायोरिटी वाली जो वैलेंसी है उसको सबसे लोएस्ट इस पोजिशन में आप लेके आएंगे हमेशा हमेशा। ये वाला स्टेप आप याद रखेंगे, अगर आप यहीं से इसको आर या एस बोल देंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें फोर्थ को हमेशा नीचे लेकर आएंगे। फोर्थ को नीचे लाने के, देखिए फोर्थ की जगह, फोर्थ को थर्ड की जगह लाए तो थर्ड को ही तो फोर्थ की जगह लेके आएंगे, तो ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली ट्रांसफर होगा। अच्छा, इसको हमने बोला था कि ये हाफ मॉलिक्यूल रोटेट हुआ है, इसमें तो हमने आधा पोर्शन मॉलिक्यूल का रोटेट किया ना, बचा हुआ आधा भी अगर रोटेट कर दो तो सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब मैं फर्स्ट को सेकंड की और सेकंड को फर्स्ट की जगह लेकर के आऊंगा, तब जाके मेरा मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होगा कंप्लीट इसमें। इतनी बात हम लोग समझ चुके। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है, मैंने आपको कहा है फोर्थ पॉइंट को तो आप भूल जाए। आप सोचे कि ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, इस गाड़ी के स्टीयरिंग में जो वो हैंडल होता है नीचे की तरफ जिस पे वो स्टीयरिंग टिका हुआ है वो तो पीछे की तरफ कहीं है, वो फोर्थ वाली वैलेंसी, और जो बच गया ये वाला पोर्शन जो है जो बच गया, ये देखिए ऐसे आपको स्टीयरिंग दिख रहा है, या फिर आप इसको पंखा ही समझ लें। पंखा भी जैसे ही था, पंखे में तीन ब्लेड होती है ना, एक दो तीन ब्लेडें होती है, और चौथी वाली जो ब्लेड जिस डंडे में वो लटका हुआ है सीलिंग से वो फोर्थ वाली पीछे की तरफ है, आप उसको नेगलेक्ट कर लें। अब ये जो आपको व्यू दिख रहा है इस व्यू में अपने तीन बची हुई चीजों को अरेंज कर लो जैसे ये दिख रही है। कैसे दिख रही है, देखिए यहाँ पे थर्ड दिख रही है, यहाँ पे सेकंड दिख रही है, और यहाँ पे फर्स्ट दिख रही है, और फोर्थ वाला पीछे की तरफ चलेगा, ये फोर्थ वाला पीछे की तरफ चलेगा, मैं इस फोर्थ वाले की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम मॉलिक्यूल को देखें कि हमारी आई कहाँ की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो देखिए हमारी आई कैसे ट्रेवल कर रही है, 1 2 3 इस तरीके से ट्रेवल, किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, ऐसे करके ट्रैवल कर रही है। अगर हमारी आई ऐसे ट्रैवल कर रही है मतलब एंटी क्लॉक ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब ये एक एस कंपाउंड है। ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लोरो ब्रोमो आयोडो मीथेन का, दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एस है, एब्सोल्यूट इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है एस है। तो आप बिल्कुल भी इन तीन प्रोसेस को अगर सिंपल तरीके से 2-3 एग्जांपल्स में अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये सारे का सारा सीक्वेंस आपको अपना के तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने आप लोगों आपको क्या कहा था, यहां से हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया बच्चों,
अगर हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट ना किया होता मान लो, तो हम इसके बेस पे अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर रहे होते, कॉन्फ़िगरेशन प्रिडिक्ट कर रहे होते, तो ये तो ऐसे ट्रेवल करना था, ये तो यहाँ के हिसाब से आर कहलाया जाता, मगर ये एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या था, एस था, इसलिए ये कन्वर्जन किया। अब आप लोग डिफरेंस समझ पाएंगे कि मैं 2D और 3D का जो डिफरेंस बता रहा हूँ उसमें कितना डिफरेंस है। आप जिसको 2D में R मानते हो, क्या पता वो S निकल जाए बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने ये पॉइंट समझ लिया यहाँ पे, ओके। अब हम अपना अब आगे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। इस कैटेगरी में हम एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहे हैं, वही एग्जांपल ले रहे हैं जो कि हमने बहुत बार पढ़ लिया, जिसको हम लैक्टिक एसिड कह रहे हैं। देखिए मैंने लैक्टिक एसिड का ये एग्जांपल ले लिया। अब ये लैक्टिक एसिड का जो एग्जांपल है, ये हमें सबको पता है कि अगर हम इसका नाम IUPAC में दें तो हम इसको कहेंगे एक प्रोपेनोइक एसिड, जिसमें सेकेंड पोजिशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब 2-hydroxy प्रोपेनोइक एसिड इसका IUPAC में, मैं वो लिख लेता हूं, ठीक है। मगर अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तो DL नोमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से ये हो जाएगा L-lactic acid, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, देखिए, ठीक है, ये हो गया L-lactic। अब देखते हैं कि क्या ये R है या फिर ये S है, तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये L तो अब आउटडेट हो गया, L तो हमें पता है, D और L nomenclature system तो अब चलता नहीं है, तो अब R और S nomenclature system ढूंढेंगे इसके अंदर। तो हम अगेन सीक्वेंस रूल के तरीके से आगे बढ़ेंगे। सीक्वेंस रूल कहता है सबसे पहले पहले एटम को देखें, यहाँ पे पहला एटम क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए इसको तो नंबर वन दे दो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और इसको लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए इसको फोर्थ नंबर दे दो, यहां भी कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है। जो कंपटीशन है ये इस सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए इन दोनों ग्रुप्स के बीच में है, और हमें पता है अगर पहला एटम सेम है तो हम दूसरे एटम को ढूंढेंगे, इसमें दूसरा एटम ऑक्सीजन है और इसमें दूसरा एटम बच्चों हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी ऑब्वियसली, एंड थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो इस तरीके से हमने जो पहला स्टेप है सीक्वेंस रूल के हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने का, वो हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये प्रायोरिटी देने के बाद मैंने आपको बोला कि मॉलिक्यूल हमारा ऐसे चेंज हो जाएगा, अब मॉलिक्यूल में इसको दिखाने की जरूरत नहीं, अब आपका मॉलिक्यूल ऐसे चेंज हो गया, इसमें चार वैलेंसी जो है आपकी ऐसे दिखने लगी है। अब ये वैलेंसीज जो दिख रही हैं, इसमें अगला स्टेप हमारा क्या था, इस मॉडल को चेंज करना, ये एक टू डायमेंशनल मॉडल है, मैंने इस मॉडल को चेंज करना है, तो देखिए मैंने चेंज करके क्या बनाया, ये बनाया, फोर्थ वाली पोजीशन को हमेशा नीचे लेके आएंगे, फोर्थ वाली पोजीशन को नीचे लाएंगे तो फोर्थ जिसकी जगह आया है वो फोर्थ की जगह चले जाएगा, मतलब सेकेंड विल प्रमोट टू द पोजिशन ऑफ फोर। ये क्या हुआ है, मॉलिक्यूल आधा रोटेट हुआ है, आधे मॉलिक्यूल को और रोटेट करो तो 1 को 3 से रिप्लेस करो, 3 को 1 से रिप्लेस करो, ये हो गया टोटल कन्वर्जन ऑफ 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ओके। इसके बाद हमने क्या कहा, इस मॉडल को कन्वर्ट करो आप स्टेरिन के मॉडल से, ठीक है, फोर्थ वाली पोजीशन जो है उसको हम दिखाते नहीं क्योंकि वो पीछे की तरफ है, उस फोर्थ वाली पोजीशन की हम बात नहीं करते, और जो बच गई 3 पोजीशन वो जैसे दिख रही है बोर्ड में वैसे ही इसमें ड्रॉ कर लो। देखिए सेकंड पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, सेकंड के बाद फर्स्ट दिख रही है, फर्स्ट के बाद थर्ड दिख रही है, तो ये हमारी अगेन क्या हो गई, इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया। तो आप इस मॉलिक्यूल को जो देख रहे हो, थर्ड स्टेप कहता है कि अब देखो इसको कैसे आई ट्रेवल कर रही है, तो आई ऐसे बच्चों ट्रेवल कर रही है, यस हमारे आई इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, तो ये कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कंपाउंड हो गया हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट किसी को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने ये जो मॉलिक्यूल बनाया था जिसको मैंने लैक्टिक एसिड कहा था, यहाँ पे हमने क्या लिया था, CH3 और यहाँ पे COOH लिया था, जिसको हमने कहा था ये L-lactic acid है, ये
क्या निकला, ये क्या निकला हमारा, एस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये तो बहुत अच्छे से हमने समझ लिया कि ये एल हो चाहे डी हो इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एस नहीं हो सकता, ये आर नहीं हो सकता। ये क्या है एक्चुअली, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, हमें इससे मैटर करेगा। हम लोगों को ये देखना है कि ये एस है या फिर ये आर है। तो इस कंपाउंड के लिए तो ये एक एस मॉलिक्यूल है, देखिए ठीक है। अच्छा मैं आपको इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और मॉडिफाई करके बता रहा हूं। अब आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ देखें। मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, मैंने हाइड्रोजन को भी नहीं छेड़ा, मैंने क्या किया, ये CH3 और COOH की पोजीशन एक दूसरे से चेंज कर दी, ठीक है। मैंने ये जो पोजीशन चेंज कर दी, इस पोजीशन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखिए COOH, CH3, ये हो गया OH और ये हो गया H। तो बताएं इसका नाम DL nomenclature सिस्टम में क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से मैंने ये यहां पे गलती करते जा रहे हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, इसको डी कहते हैं, सॉरी यहां पे आप लोग देखें, यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में है तो इसको डी कहते हैं, डीएल नॉमेनक्लेचर सिस्टम से। इस वाला एग्जांपल में इसी मॉडल को हमने इसी के में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद हमने ऐसे बनाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को छेड़ा नहीं, तो अब इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, देखिए लैक्टिक एसिड तो ये लैक्टिक एसिड ही है, मगर इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें भी राइट में था, इसमें भी राइट में है, तो इसका नाम भी डी लैक्टिक एसिड है ना। डीएल नॉमेनक्लेचर सिस्टम से भी इसका नाम जो है डी लैक्टिक एसिड आना चाहिए, इसका नाम भी डी आर है, इसमें कोई भी डाउट हमारे को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स का सेम नाम है डीएल में, है ना। अब मैं इसका आर और एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम प्रिडिक्ट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। अगेन वही वाली बात होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी हम इसको देंगे, इसमें से सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे और थर्ड प्रायोरिटी हम इसको देंगे। ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल को फिर हम कन्वर्ट करके लिखेंगे सेकंड, वन, थ्री, फोर्थ, इस तरह से, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, फोर्थ वाले को हम क्या करते थे, सबसे नीचे लेके आते थे बच्चों, फोर्थ वाले को हम सबसे नीचे लेके आते थे, फोर्थ वाले को जिसकी जगह लाते थे उसको फोर्थ की जगह थर्ड ले गए, और ये आधा मॉलिक्यूल चेंज हुआ, आधा बचा हुआ मॉलिक्यूल फिर चेंज कर दिया हमने, तो वन और टू, ठीक, इतने तक तो हम लोग समझ रहे थे। अब मैं इसका फिर से मॉडल बना रहा हूं, कौन सा वाला, स्टेरिंग वाला मॉडल, जो स्टेरिंग का आपको मॉडल बताया गया है, ये स्टेरिंग का मॉडल देखें दोबारा से। फोर्थ वाली पोजीशन को हमने पीछे भेज दिया, उसको नहीं देखना। अब जो थर्ड पोजीशन है वो यहां पे देखेगी, फर्स्ट पोजीशन यहां पे देखेगी, फर्स्ट वाले ग्रुप और सेकंड वाला ग्रुप देखिए यहां पे देखेगा, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये स्ट्रक्चर मतलब अब ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद इसका नाम देखिए कैसे रखेंगे, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से वन, क्लॉकवाइज। यहां पे क्या है मूवमेंट, क्लॉकवाइज है, देखिए यहां पे मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है, तो चूंकि क्लॉकवाइज है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, आर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, आर। कहने का मतलब अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा आर लैक्टिक एसिड, ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा आर लैक्टिक एसिड। यस, मैं इस सबको रब कर रहा हूं और आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स में जो बात ध्यान रखने वाली है उसको हाईलाइट करता हुआ बता रहा हूं। अब देखें यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में है, इसका नाम डी है, यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में है, इसका नाम भी डी है, दोनों डी लैक्टिक एसिड है। कहने का मतलब फिशर कह रहा है ये दोनों एक ही चीज है, जबकि CIP रूल कह रहा है कि ये वाला लैक्टिक एसिड एस कॉन्फिगरेशन वाला है और ये वाला लैक्टिक एसिड आर कॉन्फ़िगरेशन वाला है। ये एक अलग मॉलिक्यूल है, सेपरेट मॉलिक्यूल, और ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है। अगर ये लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, फॉर एग्जांपल कि यहां पे कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे का, अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो डेफिनेटली ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्योंकि ये दोनों एनेंसियोमेरिक पेयर है, इसलिए है ना। तो ये दोनों एंटायरली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों एक मॉलिक्यूल है ही नहीं, ठीक है। जबकि DL nomenclature तो दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए एक ही नाम दे रहा है। कहीं कहीं पे वो क्या करता है,
एक ही मॉलिक्यूल के लिए दो अलग अलग नाम देता है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो दिक्कत है बच्चों, ये दिक्कत क्या है, ये डीएल नॉमेनक्लेचर के सिस्टम की दिक्कत है। इससे ये बात पता चल गई कि आर डज नॉट इक्वल टू एस, डज नॉट इक्वल टू डी, डज नॉट इक्वल टू एल। ना तो आर डी है ना आर एल है, आर डी भी हो सकता है आर एल भी हो सकता है, क्योंकि ये अलग डेफिनेशन है, ये अलग डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चारों एक दूसरे की तरह नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, और ना ही एल के बराबर है। एल मतलब नेगेटिव वाली फॉर्म, जिसे हमने लीवोमर कहा था, और ना ही ये किसके बराबर है, डी, जिसको हमने ये कहा था। तो ये पूरा रिलेशन जो आपने एस्टेब्लिश किया है अभी तक, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कोई डेक्स्ट्रोमर है या लीवोमर है, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो आर है या एस है। मैंने ये जो दो कंपाउंड बनाए हैं, ये दोनों, ये वाला कंपाउंड एस माइनस लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, और ये आर माइन, और ये एस प्लस लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। ये दोनों, ये कंपाउंड का दो ही नाम हो, दोनों नाम हो सकते हैं, क्योंकि प्लस है कि माइनस है ये तो उसकी रोटेशन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। जब हम उसको देखेंगे पोलैरिमीटर पे, जब ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे एक्चुअली रोटेट कर रहा है, तब हमें पता चलेगा कि हम उसके लिए माइनस साइन लगाएंगे या प्लस साइन लगाएंगे। उनके स्ट्रक्चर से प्रिडिक्ट नहीं होता, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जबकि ये एस या फिर ये आर जो नाम है, ये उनके थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से प्रिडिक्ट होता है। ठीक है बच्चों, इस एग्जाम्पल को अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को काफी अच्छे से समझ गए। मैं आपको बस एक दो एग्जाम्पल इस कैटेगरी में और करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को ये केस जो है बिल्कुल आप इसके एक्सपर्ट हो जाएं। और ऐसे जितने एग्जाम्पल्स आप लोग देखेंगे, आप उन एग्जाम्पल्स को देखें, खुद से करें, अगर आपसे नहीं हो पाता किसी बुक की हेल्प लें, और उसके बावजूद भी नहीं हो पाता तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें जरूर वीडियो में आपको मिल जाएंगे। शुरुआत में आप मुझे जरूर आप इसको भेज दें, आप मेरे को ईमेल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे भेज दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको किसी भी तरफ से हेल्प कर पाऊँ। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको लिंक करता हुआ चल रहा हूँ। मैं जो अभी तक स्ट्रक्चर बना रहा था वो जनरली आपको टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दे रहा था, मैं आपको पेपर में बना करके दे रहा था। मैं एक थ्री डायमेंशनल मॉडल भी आपके सामने प्रेजेंट करूं, आप जरा उसको देखें कैसे बन रहा है। ओके, सी एच ओ, सी एच थ्री, सी दीजिए। ये हमारा एक एग्जाम्पल और आ गया, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल अगर देखा जाए, इसका आईयूपीएसी नाम देखा जाए, तो ये मॉलिक्यूल किस तरीके का मॉलिक्यूल हो गया, एक इस तरीके का। इसमें तीन, ये चेन अगर देखी जाए तो ये चेन ये रही इसमें, ठीक है ना। एक साइनो ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इस पेरेंट चेन में एक सेकेंड पोजिशन में एक मिथाइल ग्रुप है, तो उसको टू मिथाइल, और टू मिथाइल यहां से आप शुरू करेंगे तो थर्ड नंबर पर साइनो, थर्ड साइनो है ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एक एल्डिहाइड है, इसलिए इसका नाम प्रोपेनल हो जाएगा। तो ये इसका नाम है बच्चों, आईयूपीएसी नाम। नाम तो आप लोग इसका प्रेडिक्ट कर लेंगे आईयूपीएसी नेमिंग की, जितना नॉलेज आपको है, मगर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको जो है प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़ा सा भी और मेहनत करने की जरूरत है। देखिए ये मॉलिक्यूल जो हमारा हो गया, इस मॉलिक्यूल को मैं कैसा लिखूं, आपके सामने प्रॉब्लम है। क्या मैं इस मॉलिक्यूल को सी एच ओ सी एन एच सी एस थ्री लिखूं, या फिर मैं इस मॉलिक्यूल को एच सी एच ओ सी एस थ्री सी एन लिखूं, इनमें से ये किस तरीके से दिख रहा है ना। तो यहां पे थोड़ा सा आपको इनका सिग्निफिकेंस समझने की दिक्कत है, आपको इसका सिग्निफिकेंस मैं ब्रीफ कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुने और आप समझ जाएंगे कि इस मॉडल को मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे, ठीक है। देखिए ये जो कंपाउंड है बनाया हुआ है, इसमें ये दोनों तो बहुत रेगुलर टाइप के बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों बॉन्ड के अलावा दो बॉन्ड ऐसे हैं जो कि
ग्रुप्स की प्रेजेंस को अलग अलग डायरेक्शंस पे शो कर रहे हैं। ये जो डार्क है जिसे मैंने क्या कहा था पिछली बार, वेज ग्रुप, WEDGE वेज ग्रुप, ये वेज ग्रुप है। और इसको हमने लाइट वाले मॉलिक्यूल ग्रुप को क्या कहा था, शेड ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेड और वेज टाइप का मॉडल आपको दिखाया गया है। इसमें जो शेड है, शेड है मतलब पीछे की तरफ है, ठीक है ना। और इसमें जो वेज है, वेज है मतलब आगे की तरफ है। आगे मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल को यूं रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चों, यूं रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन से क्या है, एक ग्रुप आपकी तरफ है, टूवर्ड यू, ठीक है। जो ग्रुप आपकी तरफ है उसको हम वेज कह रहे हैं, सी एच ओ ग्रुप, वो जो आपकी तरफ है। दो ग्रुप रेगुलर है, दो ग्रुप रेगुलर हैं जो आपको सामान्य तरीके से दिख रहे हैं, ना वो मोटे दिख रहे हैं ना वो बहुत बारीक दिख रहे हैं। देखिए ये बारीक दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है और ये डार्क दिख रहा है, ठीक है। मगर ये दोनों रेगुलर टाइप के दिख रहे हैं, जैसे बॉन्ड हमें कहीं पे भी दिखते हैं। तो ये जो दो रेगुलर बॉन्ड दिख रहे हैं, ये दो बॉन्ड तो ये रहे। एक जो आपको डार्क दिख रहा है वो आपकी तरफ है, टूवर्ड द व्यूअर है, देखने वाले की तरफ है। अच्छा चौथा ग्रुप शायद आपको अभी नहीं दिख रहा हो, मान लेते हैं ये चौथा ग्रुप है, देखिए यहाँ की तरफ है, आपको पीछे की तरफ थोड़ा सा भी अगर ये दिख रहा है तो ये हल्का दिख रहा है, लाइट दिख रहा है। तो ये फोर्थ ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है मतलब ये लाइटर तरीके से बनाया गया, ठीक है। ये मॉडल आप लोग देख रहे हैं। अच्छा अब इस मॉडल को आपको दिखाने के लिए कि ये चौथा ग्रुप भी आपको दिख जाए, ठीक है ना, ये चौथा ग्रुप भी आपको दिख जाए, देखिए ये फोर्थ ग्रुप भी आपको दिख जाए, हमने फोर्थ ग्रुप को मोड़ करके सीधा कर दिया, फोर्थ ग्रुप को मोड़ करके सीधा कर दिया। तो फोर्थ ग्रुप को जब मैंने मोड़ करके सीधा किया होगा, देखिए कैसे मैं इस फोर्थ ग्रुप को मोड़ करके सीधा करके यूं लेकर के आगे, देखो जो ऐसा था जिसके कारण आपको फोर्थ ग्रुप नहीं दिख रहा था, सॉरी ये वाला ग्रुप नहीं दिख रहा था, मैंने उसको दिखाने के लिए क्या किया मॉडल, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ा कि आपको ये वाला ग्रुप भी दिखने लगे, ये वाला ग्रुप भी दिखने लगे। अब आपको ये ग्रुप तो दिख ही रहा है, ये वाला ग्रुप भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि नहीं। देखिए ऐसे कर दिया मैंने मोड़ के, देखिए है ना, आपको ये ग्रुप भी दिख रहा है, ये ग्रुप भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो ये है टू डायमेंशनल प्रेजेंटेशन। उस थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को मैंने थोड़ा सा रोटेट किया और आपको चारों के चारों ग्रुप दिखने लगे। तो मैं इसको इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने सी एच ओ को ऐसे मोड़ा, सी एच ओ को मोड़ा ऐसे कि इसके पीछे वाला ग्रुप भी अब आपको दिखने लगा। देखिए ऐसे मोड़ा इस सी एच ओ को कि इसके अपोजिट भी तो आएगा पीछे वाला, देखिए ये तो इसके अपोजिट ही तो है, तो इसके अपोजिट ही तो आएगा ये, तो इसके अपोजिट आएगा तो बाकी बचे हुए दोनों ग्रुप कैसे दिखेंगे। यस ऑब्वियस सी बात है, ये सी एस थ्री ऊपर चले जाएगा, ठीक है, सी एस थ्री ऊपर चले जाएगा और ये सी एन ग्रुप यहां पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट पकड़ लिया आपने, इस बात को आप समझ गए इसको कैसे हमने यहां से यहां कन्वर्ट किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो सबसे आगे दिखने वाला ग्रुप था उसको रोटेट करके आपने लेफ्ट में लेके आ गया। जब मैं उसको कहीं पे किसी भी पॉइंट में लाके रख लूंगा तो आप ये समझ लो कि उसके पीछे वाला जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये मॉलिक्यूल ऐसे घुमा होगा तो ये सी एस थ्री ऊपर चले गया होगा और इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, सी एन आ जाएगा। तो ये तो अरेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। आपको बस ये समझना था कि वेज और शेड मॉडल को इस टू डायमेंशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब इसका आर और एस नाम, देखिए ये कंपाउंड कैसे अरेंज हुआ, ऐसे अरेंज हुआ, ठीक है ना। इन दोनों में से वो कोई एक स्ट्रक्चर है, आप जब डिटेल में समझेंगे तो इन दोनों में से कोई वो स्ट्रक्चर है, वो कैसे है भी आगे बढ़ लेंगे उसको, है ना। मगर अभी आप लोग ये देख लें कि आपने कंपाउंड को ऐसे कन्वर्ट कर लिया, एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को आपने सबसे पहले पेपर में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब पेपर में ड्रॉ करने के बाद आपको केवल इसका नाम ही तो देना है, तो नाम देने के लिए आपको पता है पहला पहला एटम ढूंढेंगे, यहाँ पहला एटम, यहाँ पहला एटम, यहाँ पहला एटम और यहाँ पहला एटम, सबसे आखिरी प्रायोरिटी तो भैया इसको मिलेगी क्योंकि ये फोर्थ ग्रुप है, लोएस्ट एटॉमिक नंबर पे। अब यहाँ कंपटीशन देखिए शुरू हो जाता है, इन तीनों के बीच में फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए कंपटीशन है, तो हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ केवल और केवल हाइड्रोजन है। तो
इसको इन दोनों से कम प्रायोरिटी मिलेगी बोलिए, है ना, क्योंकि यहाँ पहला एटम तो सेम है और दूसरा एटम केवल हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ तो दूसरा एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे दूसरा एटम नाइट्रोजन है, इसको इन दोनों की कंपैरिजन में कम प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब इसको थर्ड रैंकिंग मिलेगी। अब बच गए ये दोनों, इन दोनों में पहला एटम सेम, सेकेंड एटम यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए इसको खोले C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये मॉलिक्यूल खुल के ऐसा बन गया, तो पहला एटम तो कार्बन और ये खुल करके कैसे बन गया, पहला एटम यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहीं पे डिफरेंस पता चल गया। देखिए नाइट्रोजन बड़ा है या ऑक्सीजन बड़ा है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कैसे पढ़ते हैं हम पीरियोडिक टेबल को, कैसे पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए, है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, है कि नहीं है, इसी तरीके से तो पढ़ते हैं। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये अगर फोर्थ वाली ग्रुप का है, ये फिफ्थ ग्रुप का है, ये सिक्स्थ ग्रुप का है, है ना, इसकी अगर सिक्स एटॉमिक नंबर है, इसका सेवन है, तो इसका एट है, तो एट नंबर का एटॉमिक नंबर वाला बड़ा हो जाएगा सेवन नंबर वाले से, तो इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी, इसको जो है हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे बच्चों और इसको सेकेंड प्रायोरिटी देंगे, ये आप लोग समझ लें, बस इतना हम लोगों ने दे दिया अगर, तो इसके बाद तो आप लोग इसके आगे का रास्ता तो आप लोगों को सबको पता है, हमने ये मिटा दिया, मॉलिक्यूल हमारा ऐसा हो गया, मॉलिक्यूल हमारा 1, 2, 4, 3 इस तरीके से दिखने लगा। अब इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया, किस तरीके से कन्वर्ट किया कि फोर्थ वाली वैलेंसी सबसे नीचे आ जाए, फोर्थ वाली वैलेंसी सबसे नीचे आ जाए, मतलब फोर्थ की जगह चले जाएगा सेकेंड, ये तो मॉलिक्यूल घूम गया आधा, आधे मॉलिक्यूल को और घुमाना है, तो वन यहाँ लेके आ गए, थ्री यहाँ हो गया, ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट हो गया तो लास्ट स्टेप जो आपको सीआईपी रूल बताता है वो क्या कहता है कि इस कंपाउंड को देखना है, है ना, आप इसको कैसे करते हैं, ये स्टीयरिंग मॉडल से आप कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इसमें आपने फोर्थ वाली वैलेंसी को हाइड कर लिया, ये फोर्थ वैलेंसी है आपकी, इसको आपने हाइड कर दिया, थर्ड वाली वैलेंसी यहाँ पे दिख रही है, फर्स्ट वाली यहाँ दिख रही है, सेकेंड वाली यहाँ दिख रही है, तो टोटल मॉलिक्यूल आपका कैसे दिखने लगा है, 1, 2, 3 मतलब R फॉर्म, ये आपका कौन सा कंपाउंड हो गया, R कॉन्फिगरेशन, ये जो मॉलिक्यूल आपका था जिसका यूपीएससी नेमिंग आपने ऑलरेडी लिख लिया था, उसके आगे बस R जोड़ेंगे, R, ठीक है, और ये जो मैं लगाता जा रहा हूँ R के आगे यू लगा रहा हूँ या कहीं एस के आगे यू लगा रहा हूँ बच्चों, ये माइनस प्लस का साइन से मतलब नहीं है इसका, ये हाइफन है, इसको लगाया जाता है, आईयूपीएससी नेमिंग में भी आपने देखा है 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो मतलब, अब देखिए अल्फाबेट्स के साथ न्यूमेरिक्स तो नहीं डाल सकते हम, इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, अगर हमने ऐसे लिख देते तो गलत हो जाएगा, है ना, इसको पढ़ने के लिए 1 की भी आइडेंटिटी है ना, इसलिए 1 को पढ़ने के लिए 1 को सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस हाइफन, इस हाइफन को हम इसलिए यूज कर रहे हैं, कहीं भी आप गलती से भी इसको यू मत कह देना, अगर फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड का आपको पता है कि ये क्लॉकवाइज घुमाता है लाइट को, क्लॉकवाइज घुमाता है, तो आप यू लिखेंगे आर प्लस ये और इसका जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर लैक्टिक एसिड है तो आप इसका नाम R प्लस लैक्टिक एसिड, या फिर आपको पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो आप इसका नाम ये रख देंगे, मगर आप इन दोनों को एक चीज ना समझे, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है इसका अलग मतलब है, ये दोनों जो चीजें हैं ये लाइट के रोटेशन को रिफ्लेक्ट करती है बच्चों, ये अगला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और मुझे लगता है आर एस नोमेनक्लेचर सिस्टम के तकरीबन सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, एक एग्जाम्पल और, मगर ये एग्जाम्पल जो है मेगा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने कर लिया तो समझिए आपको आर एस उतना ही आ गया जितना मुझे आता है, जितना किसी और को भी आता है, ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इसके अंदर आपकी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी। देखिए मैंने क्या बनाया है, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, शक ही नहीं है कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये मॉलिक्यूल तो बड़ा है ही, कॉम्प्लिकेशन इसमें ज्यादा है, मगर
आपको इसकी आईयूपीएससी लिमिट लिखनी है। आईयूपीएससी लिखने के लिए आपको तरीका पता है, आप लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे कि आप सबसे लंबी चेन को पेरेंट चेन बोले, जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए और जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। आपने देखा अगर हम इसको एज ए पेरेंट चेन लेते हैं तो इस पेरेंट चेन में दोनों अमीन ग्रुप आ गए, सारे के सारे कार्बन चेन आ गए, ठीक है ना। सीएन सीएन केवल छूट गया, तो सीएन को रहने दो, कोई बात नहीं। और अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो यहां से बढ़े चाहे यहां से बढ़े, एक ही बात है। आप इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी, आप नाम तो जो है, सॉरी आप इनको नाम नहीं दे सकते, ये तो नाइट्रोजन हो गया, आपको तो केवल कार्बन को नाम देना है ना। नंबर तो आप केवल कार्बन को दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन की चेन, ठीक है। अब यहां पे पहले से और फिफ्थ से 1 and 5 डाई अमीनो, ये डाई अमीनो ग्रुप हो गया, 1 5 डाई अमीनो, 2 4 डाई साइनो, 2 4 डाई साइनो, 2 4 डाई साइनो। और अगर इसको थर्ड पोजीशन को भी काउंट करेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी पेंटेन इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया इसका, पेंटेन। देखिए बच्चों ये बन गया, ठीक है, 1 5 डाई अमीनो, 2 4 डाई साइनो, थर्ड पोजीशन में हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक ग्रुप है, थर्ड 3 हाइड्रोक्सी और 5 मॉलिक्यूल की ये चेन है, इसलिए इसका नाम पेंटेन पड़ गया। ये नाम आपको पहले से ही पता है, मगर इसके बाद आप लोगों को इसका कॉन्फ़िगरेशनल नाम बताना है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इससे अलग होगा। इससे तो कहीं भी पता नहीं चल रहा कि क्या इसके अंदर कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं है, इसको देख के कहीं पे पता नहीं चल रहा कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा एसिमेट्रिक कार्बन एटम है जिसके कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसमें आएगी या फिर उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी या कोई भी चीज आएगी। इस नाम से तो आपको केवल एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की परमिशन है, मगर आपको पता है बच्चों ये जो कंपाउंड है ये बिल्कुल इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आप लोगों ने इसका नाम बोला, इसमें अभी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, ठीक है ना। और वो जरूरत कैसे पूरी होगी, जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को बना देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपने देखा कंपाउंड, इसमें कुछ पॉइंट हम आपको ढूंढने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। इस कंपाउंड में कुछ चीजें ढूंढने में मैं आपको मदद कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने स्ट्रक्चर दोबारा से रिपेयर कर लिया, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें एक तो हो गया ये सेंटर, एक हो गया ये सेंटर और एक बच्चों ये वाला सेंटर हो गया। इस पे 3 सेंटर हैं जो कि एसिमेट्रिक हैं। यहां पे क्या है, 3 एसिमेट्रिक सेंटर, 3 एसिमेट्रिक सेंटर हैं। तो इसके नाम में 3 पॉइंट पर कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, समझाना, बताना बहुत जरूरी है। इसका नाम लेते समय इसकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी, ठीक है। अब हमें इस मॉलिक्यूल का नाम लिखना है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ढूंढनी है, तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन ढूंढने के लिए दोबारा से इसको स्ट्रक्चर को समझा रहा हूं। देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा OH H, यहां पे A और यहां पे भी A, ये कंपाउंड ऐसा है बच्चों, ठीक है। मैंने देखिए इसमें एसिमेट्रिक सेंटर लगाया, मैं मतलब क्या कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे ये एसिमेट्रिक सेंटर है तो मतलब चारों की चारों वैलेंसीज एक दूसरे से डिफरेंट है, 1 2 3 ये 3 वैलेंसीज तो दिख रही है मगर चौथी वैलेंसीज तो एक ही की तरह दिख रही है, एक ही तरह दिख रही है। ये तो चारों वैलेंसीज अलग नहीं हुई, यहां पे तो एक वैलेंसी रिपीट हो रही, इसका मतलब तो ये कंपाउंड इस पॉइंट में तो एसिमेट्रिक नहीं, इस पॉइंट में ये एसिमेट्रिक है क्योंकि यहां पे एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, थर्ड ग्रुप ये है और फोर्थ ग्रुप ये जो बच गया पूरी की पूरी बात है। ये वाला भी जो है एसिमेट्रिक है, 1 ग्रुप, सेकंड, थर्ड और जो बच गया फोर्थ, ये कंपाउंड दोनों पॉइंट में एसिमेट्रिक है, मगर ये जो है इसको देखने पे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एसिमेट्रिक है, बशर्ते
अगर इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रही तो बच्चों मैंने आपको जब सीक्वेंस रूल बताया था, तीन रूल मैंने आपको डिस्कस किए थे और मैंने आपको कहा था कि एक और रूल है जो कि मैं आपको आगे कहीं पढ़ाऊंगा विद एग्जाम्पल, है ना। तो ये वो एग्जाम्पल है, ये वो रूल है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये फोर्थ नंबर का रूल है। आपको कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप एकदम से उठ करके चिल्लाएंगे नहीं कि जी ये तो सेंटर एसिमेट्रिक नहीं है। आप कभी भी एकदम से ये नहीं बोलेंगे कि ये एसिमेट्रिक नहीं है इसमें मिटा दो। आप कहेंगे पहले ये देखना है कि ये दोनों सेंटर क्या सेम कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं, ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अगर इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम तो ये ए और ये बी। मान लो इस वाली पोजीशन को जब आपने देखा और पता चला आपको कि ये तो आर है मान लो, और इसको देखा और आपको पता चला कि ये तो एस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो तब ये दोनों एक नहीं हो जाएंगे, ये दोनों तो कंपाउंड ही अलग अलग हो जाएंगे। आर और एस तो दोनों अलग अलग कंपाउंड होते हैं। तो तब उस केस में अगर एक ए रहेगा तो एक ए डैश हो जाएगा और यहाँ पे आपका कंपाउंड एसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपाउंड एसिमेट्रिक हो जाएगा। अब आपको इस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो इस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालनी, और अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो इस पॉइंट की भी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। इसकी तो निकालनी ही है और इसकी तो निकालनी ही है, है ना, इन दोनों की तो निकालनी ही निकालनी। तो अब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे ट्रीट करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि क्या ए और ये सेम है या नहीं है। मतलब आपको ये चेक करना है कि इसमें अगर मान लेते हैं हमने इसका नाम ए दिया, इसको हमने ए डैश नाम दिया, तो क्या ए डैश इज इक्वल टू ए है या फिर नहीं है। मैंने आपको कहा अगर इफ ए इज नॉट इक्वल टू ए डैश तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तो इस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी। आइए अब इस एग्जांपल को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इस ग्रुप को देखना है कि ये ग्रुप कैसा है। ये ग्रुप देखिए कैसा है। इसमें एक तरफ सी एन है, एक तरफ एच है, एक तरफ सी एच टू एन एच टू है, और इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और एक ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका हम नाम लिखना जा रहे हैं। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ढूंढेंगे। तो सबसे लोएस्ट ग्रुप हो गया फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन। अब पहला इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, मगर इसमें दूसरा नाइट्रोजन, इसमें भी दूसरा नाइट्रोजन, इसमें तीसरा भी नाइट्रोजन, इसमें तीसरा हाइड्रोजन। तो इसको देखिए, इसको और इसको कंपटीशन है एक पॉइंट में, मगर इस वाले में पहला कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, इसको इन दोनों ग्रुप के ऊपर एच मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए इसकी पोजीशन हो जाएगी वन। यस, इसकी पोजीशन हो जाएगी वन, क्योंकि दूसरे नंबर का एटम जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन है, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन है, यहाँ पे तीसरा भी नाइट्रोजन है, क्योंकि हम सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिखेंगे इसको, यहाँ पे तीसरा भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन है, तो इसको दूसरी प्रायोरिटी मिली और इसको तीसरी प्रायोरिटी मिली। ये इनकी प्रायोरिटीज हैं, ये हमने इनको प्रायोरिटीज दे दी। ठीक है, तो मेरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया बच्चों, मैंने मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करके कैसा लिख दिया, देखिए 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4 मेरा मॉलिक्यूल इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब मेरा मॉलिक्यूल अगर ऐसे कन्वर्ट हो गया तो नेक्स्ट काम मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इसी में सब कुछ करता जा रहा हूं। मैं फोर्थ को नीचे लेके आऊंगा तो वन को उसकी जगह ले जाऊंगा, मैं फोर्थ को नीचे लेके आऊंगा तो वन को उसकी जगह ले आऊंगा। और अगला काम क्या करेंगे, आधे मॉलिक्यूल को और रोटेट करना है, तो मैंने इसको रोटेट करके यहाँ पे 2 लेके आ गए और यहाँ पे 3 लेके आ गए, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, हमारा मॉलिक्यूल अब ऐसा हो गया। ठीक है, हमारा मॉलिक्यूल अब ऐसा दिखने लगा। अब अगर ये ऐसा दिख रहा है तो इसका इसका हमने स्टेरिंग मॉडल बनाया। स्टेरिंग मॉडल में हमने फोर्थ वाली वैलेंसी को पीछे रख लिया, बाकी ये 1 हो गई, ये 3 हो गई, ये 2 हो गई। ठीक है बच्चों, ये कंपाउंड ऐसे कन्वर्ट हो गया। इस पॉइंट से देखिए, हम इस वाले पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं और ये ऐसा दिखने लगा है। ऐसा दिखने लगा है मतलब ये किस तरीके का हो गया, 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब ये हो गया S। ये कैसा हो गया बच्चों, S फॉर्म हो गई, ये हो गई S फॉर्म। इतना पॉइंट तो हम लोगों को यहां से क्लियर हो गया। अब इसके बाद
मैंने इस पॉइंट को देखा, देखिए मैंने इस पॉइंट को देखा, अब मैं इसको बहुत जल्दी से करूंगा, आप लोग बिल्कुल पकड़ लेंगे इस पॉइंट को। यहाँ पे ये सारे ग्रुप है, सी एन यहाँ पे है, सी एस टू एन एस टू यहाँ पे है, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप है और यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन को फोर्थ दिया था, इसको फर्स्ट दिया था, इसको सेकंड दिया था, इसको थर्ड दिया था। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल, हमारा ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। इस मॉडल को फिर हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद टू की जगह फोर, फोर की जगह टू, टू की जगह फोर, फोर की जगह टू, और इनको भी कन्वर्ट किया, ये वन और इसकी जगह थ्री। हमारा स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे आ गया। अब जब ऐसे आ गया तो बनाइए इसका दोबारा से स्टेरिंग मॉडल। स्टेरिंग मॉडल बना तो टू थ्री वन है ना, टू थ्री वन, टू थ्री वन मतलब वन टू थ्री। देखिए कैसे आई ट्रेवल कर रही है, वन टू थ्री ऐसे आई ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, देखिए कैसा हो गया क्लॉकवाइज, ये कैसा हो गया क्लॉकवाइज, ये कैसा हो गया क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, आर, यस, इसको क्या लिखेंगे, आर फॉर्म, करेक्ट। यहां पे ये आर निकला, देखिए ये वाला ग्रुप आर निकला, ये वाला ग्रुप एस निकला। आर और एस दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू ए डैश, ए इज नॉट इक्वल टू ए डैश। इसका मतलब ये भी अलग है और ये भी अलग है, विद द रिजल्ट ये मॉलिक्यूल इस पॉइंट में भी एसिमेट्रिक है। यस, ये मॉलिक्यूल इस पॉइंट में भी एसिमेट्रिक है। अच्छा ये पता चल गया, ये एस पता चल गया और ये आर पता चल गया। देखिए ये वाला ऊपर वाला हमें कैसा पता चला, ये एस है, ये आर है, ठीक है। अब चूंकि ये सब जगह आर एस चलता रहेगा, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए इसको हमेशा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्मॉल एस से। ये क्या है, ये जो साइड वाले ग्रुप है उनको दिखाने के लिए स्मॉल आर और स्मॉल एस बनाए गए, ठीक है। इसके बाद मुझे सेंटर वाले को भी पता करके बताना है, सेंटर वाला जो कि हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, यहां पे आर और यहां पे एस है, ये किस तरीके का है। तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो बच्चों इसको दी, फोर्थ इसको दी, आर और एस में आर को ग्रेटर प्रायोरिटी देंगे और एस को लोअर प्रायोरिटी देंगे। तो ये इस तरीके से ये मॉलिक्यूल मेरा जो रहेगा, इस मॉलिक्यूल को मैं टू वन थ्री फोर ऐसे बना सकता हूं। इस वाले सेंटर को बता रहे हैं हम लोग, इस वाले सेंटर को, ठीक है। इसके बाद मैं इसको फोर थ्री टू वन बना सकता हूं और इसके बाद मैं इसको यस थ्री वन टू बना सकता हूं और ये वन टू थ्री ऐसे करके ट्रेवल कर रहा है ना, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। मतलब ये आर फॉर्म को ट्रेवल करते हुए दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर जो है वो एक आर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने समझा, इस में जहां की तीन तीन एसिमेट्रिक सेंटर थे, उन तीनों एसिमेट्रिक सेंटर में जो सेंटर कार्बन है वो आर है और जो ऊपर वाला है वो एस है और नीचे वाला आर है। तो इस कंपाउंड का जब हम नाम लिखें तो हम इसमें आर, ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल आर हो जाएगा। इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम एस लगा करके नाम लिखेंगे, ठीक है ये, और इसके साथ जो दूसरा पोर्शन है उसका नाम हम लोग आर लगा करके लिखेंगे। इस तरीके से ये पूरे का पूरा आईयूपीएससी नेम के साथ आर और एस डेजिग्नेशन को भी दिखाएंगे, तब जाके कोई आदमी समझ पाएगा कि जिस स्ट्रक्चर को आप कह रहे हो वो ये है। अदरवाइज देखिए इसमें तीन सेंटर है, टू टू दी पावर थ्री करेंगे अगर, तो ये तो आठ डिफरेंट आइसोमर्स बनाएगा। अगर आप इस पॉइंट को एस और उस पॉइंट को आर नहीं लिख रहे तो पढ़ने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन से वाली आइसोमर के बारे में बात कर रहे हो, वो तो पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना। तो आप लोगों को इस पॉइंट को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है।
कुछ बच्चों को अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं आया, आप एक बार रिवाइज करके, दो बार रिवाइज करके देखें, आपको वैसे समझ में आ जाएगा। पर इन केस अगर नहीं आता और कहीं बुक में भी आपको बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता, मुझे पूछिए, अगर उसके बावजूद भी सोल्यूशन नहीं मिल पाता तो आप चाहें तो इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस केमिस्ट्री हो गई। इसको एमएससी लेवल में भी आपको समझना है दोबारा से, तो आप चाहें तो इस पॉइंट को बच्चों छोड़ सकते हैं। अदरवाइज ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी एक्सरसाइज है।